फिरोजाबाद में एसपीसीटी राजेश कुमार ने वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि एसएसपी सचिन पटेल द्वारा अवैध शस्त्रों की बरामदगी व अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उनके निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर संजय वर्मा के पर्यवेक्षण एवं सिवाय निरीक्षक उत्तर के नेतृत्व में 15 दिसंबर 2018 को थाना उत्तर की QIT पर तैनात उप निरीक्षक लोहर सिंह पोनिया में हमलावरों के अंदर इलाका क्षेत्र में मौजूद थे के PRV 0673 के माध्यम से मोहल्ला संतोष नगर में अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री के संबंध में सूचना दी गई। बताया कि इस सूचना पर उप निरीक्षक लोहरे सिंह पोनिया द्वारा दूरभाष पर संपर्क कर उप निरीक्षक अनिल कुमार चौकी पिवारी कोटला रोड थाना उत्तर व चेतक 5 एवं PC 5 थाना रामगढ़ को अपने साथ लेकर मोहल्ला संतोष नगर के शिशुपाल पुत्र स्वर्गीय मुन्नीलाल के मकान पर दबिश दी गई तथा घर पर मौजूद मिले शिशुपाल को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर मकान से 3 अदर तमंचा बरामद किया गया। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। क्योंकि अभियुक्त द्वारा ये बताया गया है कि जो तमंचे हम बना रहे थे वो लोकसभा चुनाव में होने वाले चुनाव में तमाम लोगों को हम बेचने थे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। अभियुक्त शिशुपाल उसका गिरफ्तार हुआ है, उसका बेटा फरार हो गया है मौके से। 6 तमंचे जिसमें एक रिवाल्वर टाइप का बना हुआ है, रिवाल्वर टाइप का बना हुआ है वो भी है, ढेर सारी नाल, ढेर सारे खोखे कारतूस और कारतूस, ड्रिल मशीन, बहुत चीज़ बरामद हुई है। और ये उत्तर पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। संतोष नगर में काम चल रहा था और इसके लिए जो पूरी टीम को इसमें PRV 673 का भी बहुत बड़ा हम योगदान रहा है। PRV और थाना उत्तर पुलिस को इसके लिए 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। सर, इसमें और कितने लोग हैं जो अभी हिरासत में आ रहे हैं? एक व्यक्ति और है जो गिरफ्तारी हेतु शेष है और ये जो अभियुक्त हमारा पकड़ा गया है पहले से ये कार्य करता रहा है। पहले भी 97 में भी इस पर इसी फैक्ट्री का ही मुकदमा कायम हुआ था और इस समय भी ये पकड़ा गया है। विभिन्न जगहों पर जा जा करके काम करता रहा है, कभी जहाँ डिमांड जैसी होती है उस जनपद पर जा करके इस तरह से कार्रवाई करता है। अन्य जनपदों से भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।